हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखिए डिफरेंट टाइप का ये स्लिप्स बनाना बताऊंगी। अभी काफ़ी ट्रेंड में है इस टाइप के, ये बेल स्लिप्स बोलते हैं, और काफ़ी कुर्ती या फिर टॉप में अभी आप पहन रहे हैं, तो आप स्वेटर में भी इस तरह से आप पहन सकते हैं बनाकर। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बनाना, और इसमें जो है फंदे जो डालेंगे, जितने में रिस्ट में चाहिए, जितने जो किसी भी साइज़ के आप जब स्वेटर बनाएंगे उसके जो स्लिप्स बनाएंगे, तो रिस्ट में जितने भी आप फंदे डालते हैं उससे ठीक मल्टीपल टू आप करके फंदे डालेंगे और प्लस वन। जैसे मुझे यहाँ पर 40 फंदे चाहिए, मैं यहाँ पर 80 प्लस वन फंदे डाली हूँ, और वहाँ से बुनाई करना मैं स्टार्ट की हूँ। देखिए इसमें यह एक पीस बनाई हूँ, दूसरी पीस बना रही हूँ, तो इसमें मैं आपको शेयर करूँगी इस बनाकर। इसमें देखिए 81 फंदे हमें हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे 40 फंदे ही चाहिए। ये 1 से 2 इयर्स के बेबी के लिए बना रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन जो है यहाँ से हम बुनाई करेंगे यहाँ, तो फर्स्ट लाइन पहले हम उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह से, सारे फंदे को पहली लाइन हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट लाइन अपनी कंप्लीट हो गई। अब सेकंड लाइन में भी हम उल्टा ही बुनेंगे सारे फंदे को। अपनी सेकेंड रो भी कंप्लीट हुई। अब आते हैं हम थर्ड रो में। पहला फंदा हम इस तरह से स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, और इस तरह से देखिए दो फंदा जो है, ये दो फंदा इसे बैक लूप से हम सीधा बुनेंगे एक साथ, फिर धागा आगे करेंगे, फिर ये दो फंदे को हम एक साथ बैक लूप से एक बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर ये दो फंदा एक साथ बुन लेंगे, ऐसे धागा आगे करेंगे, दो फंदा एक साथ बुन लेंगे। दो फंदों का एक फंदा हम बनाते जाएंगे, और साथ में ये जाली भी बनते जाएंगे। इस तरह से हमारे फंदे कम नहीं होंगे, जितने फंदे हैं उतने फंदे ही रह जाएंगे। देखिए इस तरह से धागा आगे करेंगे, दो फंदा एक साथ बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, धागा आगे, दो फंदा एक साथ, धागा आगे, और ये दो फंदा एक साथ। इस तरह से अपनी जो है थर्ड लाइन कंप्लीट हो गई। अब आते हैं फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से भी हम यहाँ पर चार लाइन जो है इस उल्टा उल्टा बनाएंगे, जिसमें ये दो पर्ल लाइन बनेंगे। ये चार लाइन हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो पहले चार लाइन हम बुन लेते हैं। देखिए इस तरह से सारे फंदे को हम उल्टा ही बुनेंगे।
ये चार लाइन बुनाई करने के बाद देखिए यहाँ पर दो पर लाइन बनकर तैयार हो गए हैं। इसके बाद इसमें जो है यहाँ पर ये चार देखिए यहाँ पर ये दो पर लाइन बनने के बाद यहाँ पर सीधी उल्टी की बुनाई हुई है। यहाँ पर जो ये बुनाई हुई है यहाँ पर 12 लाइन यहाँ पर हम बुने हैं, उल्टे में उल्टे और सीधे में सीधे, जिसे हम प्लेन बुनाई कहते हैं। तो ये बुनाई अभी हमें करनी होगी इसके बाद। तो यहाँ पर ये सीधी साइड है तो सीधे में सीधा बुनेंगे, उल्टे में उल्टा, इस तरह से करते हुए हम 12 लाइन की बुनाई कर लेंगे। ये देखिए सीधा है तो सीधा बुन लेंगे और फिर उल्टी साइड में आएंगे तो हम उल्टा बुनाई करेंगे। तो पहले हम 12 लाइन की बुनाई कर लेते हैं। इसमें देखिए ये 12 लाइन की बुनाई हमने कर ली है। अब इसके आगे देखिए ये बनाना है, ये एरिया बनाना है यहाँ से। तो इसमें देखिए क्या करना है, सीधी साइड हूँ और पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा आगे कर लेंगे और ये दो फंदे जो हैं यहाँ पर देखिए ये दो फंदे एक साथ हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए दो फंदों का एक फंदा, दो फंदों का एक फंदा, फिर से इस तरह से देखिए दो फंदों का एक फंदा। इसी तरह से ये लाइन हम कंप्लीट करेंगे, दो फंदा एक साथ बुनेंगे, दो फंदों का एक फंदा, दो फंदों का एक फंदा, फिर यहाँ देखिए दो फंदों का लास्ट में से भी एक फंदा। इस तरह से इस सिलाई में हम जो है टोटल दो फंदों का एक फंदा करते हुए हम बुनाई कर लिए। अब आते हैं उल्टे साइड में, इधर भी हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनेंगे बट सिंगल सिंगल फंदे हम बुनेंगे। जैसे नॉर्मल हम बुनाई करते हैं उसी तरह से करेंगे, इसमें दो दो फंदे एक साथ नहीं बुनाई करनी है। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया दूसरी लाइन। और तीसरी लाइन हम सीधी साइड में आते हैं, इधर से भी हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और चौथी लाइन हम फिर उल्टे साइड से भी उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये दो लाइन हम पहले उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए दो लाइन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर ये दो पर लाइन बनकर तैयार हुआ। आगे अब देखिए क्या करना है, अब सीधी साइड में है हम पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे इस तरह से। अब देखिए ये जो दो फंदे हैं इसे हम बैक लूप से सीधा बुन लेंगे एक साथ में, ये दो फंदे को बैक लूप से ऐसे करके सीधा बुन लेंगे। देखिए इस तरह से फिर धागा आगे करेंगे और फिर दो फंदों को एक साथ हम बैक लूप से सीधा बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे फिर से दो फंदे को हम बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। धागा आगे करेंगे और फिर दो फंदा का हम एक फंदा बुनेंगे, बैक लूप से सीधा सीधा बुन लेंगे। इस तरह से ही ये वाली लाइन को हम कंप्लीट करेंगे, धागा आगे करेंगे दो फंदा एक साथ बुनेंगे, धागा आगे करेंगे दो फंदा एक साथ बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे फिर से दो फंदा एक साथ बुनेंगे। और ये लास्ट का एक फंदा इसे हम सीधा बुन लेंगे।
देखिए यहाँ पर ये जाली बनती गई है। अब हम आते हैं उल्टी साइड में, इस लाइन को हम सारे फंदे को उल्टा बुनेंगे। जितने भी फंदे हैं, ये जाली वाले फंदे भी और ये फंदे भी, सारे फंदे को हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। इधर से देखिए ये उल्टी उल्टी बुनकर हमने कंप्लीट कर ली। अब सीधी साइड है, सीधी साइड में आप देखिए इस तरह से हम दो पर लाइन बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दो पर लाइन है। इन दो पर लाइन को बनाने के लिए हमें चार लाइन बुनाई करनी होगी उल्टी उल्टी। तो ये चार लाइन पहले हम बुन लेते हैं। तो दोनों साइड से, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी, दोनों साइड से हम उल्टा उल्टा बुनकर ये दो पर लाइन हम बना लेते हैं। चार लाइन उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट हो गई। अब देखिए इस तरह से ये दो पर लाइन बन गए। तो अब ये जो हैं बनकर तैयार हैं, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से दिख रहे हैं ओपन में। और ये इस तरह से दिखेंगे जब यहाँ आधे फंदे में बुनाई कर कर से पलट दूंगी तो वो इस तरह से दिखेंगे ये। और आगे जब और आपको कुछ बनाना है, इसके आगे आप स्लिप नॉर्मल जैसे बनाते हैं, आप जैसे भी फंदे बढ़ाते हैं, जो भी पैटर्न देना है, प्लेन भी बना सकते हैं या कोई पैटर्न भी डालकर बना सकते हैं। इसमें मैं बता दूं कि इसमें मैं जो आगे स्लिप बनाई हूं, तो ये छः लाइन में, छठी लाइन में मैं एक फंदे करके बढ़ाई हूँ दोनों साइड से। हर छठी लाइन में सिक्स रो में जो है एक फंदे इधर से और एक फंदे इधर से बढ़ाई हूँ, बढ़ाते हुए बुनाई की हूँ। आप जैसे भी स्लिप बनाते हो आप उस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए बनाइए, शेयर ज़रूर कीजिएगा और थैंक यू।